आज हम हिंदी मन का पाठ 16 पढ़ रहे हैं। प्रकाश पुंज। प्रकाश मतलब उजाला और पुंज मतलब होता है गुच्छा। बहुत प्यारी कविता है, इस कविता को पढ़ते हैं। एक विटप की लघु शाखा पर बैठी नन्ही बुलबुल, मतलब विटप मतलब विटप किसका बनाया हुआ चाहिए, पेड़ का। तो एक पेड़ की लघु शाखा पर, लघु मतलब होता है छोटा और शाखा मतलब होती है टहनी, तो मतलब एक पेड़ की छोटी शाखा पर या छोटी टहनी पर एक नन्ही बुलबुल बैठी थी। कहती थी उड़ने चुगने में सारा समय बिता डाला। वो क्या बोल रही थी कि मैंने उड़ने और दाना चुगने में सारा टाइम बिता दिया। सूर्य अस्त हो गया अतल में रजनी ने पर्दा डाला, और सूर्य अस्त हो चुका है और यहाँ पर रजनी ने पर्दा डाल दिया मतलब अंधेरा हो चुका है। दीप जले सब घर मंदिर में नब्बे तारे उदय हुए, और सारे घरों में दीप जल चुके हैं और मंदिरों में भी दीप जल चुके हैं और नब्बे मतलब आसमान में तारे उदित हो चुके हैं। पहुंचू कैसे निलय द्वार, लाचार पंख इस समय हुए हैं। और जब अंधेरा छा जाता है तो पक्षी उड़ नहीं पाते, तो वह बोल रही है कि पहुंचू कैसे निलय मतलब घोंसला, मैं अपने घोंसले में कैसे पहुंचूं, अपने घोंसले के दरवाजे तक कैसे पहुंचूं, लाचार पंख इस समय हुए और मेरे पंख इस समय लाचार हो चुके क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। सुन बुलबुल की करुण हिचकिया, जोनू एक निकट से बोला। उससे वह रो रही थी, उसकी हिचकिया सुनकर एक जुगनू उसके पास से बोला, धैर्य धरो मतलब धैर्य रखो, सब्र रखो, ओ नन्हे पंछी बंद करो करुण रुदन, ए नन्हे पंछी अपना रोना बंद करो, पोछो अपने आंसू मत रो रोको क्रंदन, अपने आंसू पोछ लो और अपने इस करुण पुकार को बंद करो और आंस मत रो। ईश कृपा से मुझे मिला है नन्हा सा पुंज प्रकाश, वह कहता है कि इस ईश्वर की कृपा से मुझे एक प्रकाश का गुच्छा मतलब थोड़ा सा प्रकाश मुझे मिला है। आएगा यह काम तुम्हारे, मत रो मत हो निराश, और यह तुम्हारे काम आएगा इसलिए तुम रो मत और निराश मत हो। आपने देखा होगा रात के टाइम अंधेरे में जुगनू को चमकते हुए, वो थोड़ी 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 उजाला करता रहता है, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें मेरे मुझे ईश्वर ने प्रकाश का पुंज दिया है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाते हुए आगे ले चलूंगा। हर्षित हुआ हृदय बुलबुल का, बुलबुल का जो मन था वो बहुत प्रसन्न हो गया। तब उठकर बोला जुगनू, और जुगनू बोला आओ मैं मेरे पीछे में दीपक दिखलाऊंगा। वो जुगनू ने उससे क्या कहा कि तुम रास्ते में मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखलाऊंगा, दीपक की तरह जलकर तुम्हें रास्ता दिखलाऊंगा। चीर अंधेरा गहन निलय के द्वार तुम्हें पहुंचाऊंगा, और इस अंधेरे को दूर करके तुम्हारे घोंसले तक तुम्हें पहुंचाऊंगा। झाड़ पंख उड़ चला गगन में जुगनू नन्हा तारा सा, अपने पंखों को साफ करके वह जुगनू गगन में उड़ चला तारे जैसा ही लगता है ना, तो वह अपने पंखों को साफ करके उस बुलबुल के आगे आगे तारे की तरह चलने लगा। उड़ी फुदक कर बुलबुल पीछे बुलबुल आगे दीपक प्यारा सा, उस जुगनू के पीछे पीछे वह बुलबुल आगे पीछे पीछे उड़ने लगी और आगे वह प्यारे से दीपक की तरह जुगनू उड़ने लगा। पहुंच निलय के द्वार, मधुर स्वर में बोली नन्ही बुलबुल, अपने घोंसले के द्वार पर पहुंचकर बुलबुल खुश होकर अपने मीठे स्वर में बुलबुल बोली, हे चंद्र किरण नव ज्योति पुंज, हे भैया मेरे जुगनू, हे चंद्र किरण एक चंद्रमा की किरण के समान, नव ज्योति पुंज नई किरणों के समान, प्रकाश की नई किरणों के समान, हे भैया मेरे जुगनू, हे मेरे भैया जुगनू, जुग जुग जियो और रहो धरती की आंखें तारे जुगनू, मतलब तुम हमेशा बहुत जुग जुग तक जीते रहो, बहुत सालों तक जीते रहो और धरती की आंखों का तारा बन के रहो, तो मतलब बहुत प्यारा धरती की आंखों का तारा बनकर रहो जुगनू। वो अपने भाई को दुआ दे रही है, मतलब उसने उसको भाई बनाया और उसको दुआ दे रही है। धन्य धन्य वह परम पिता जिसकी रचना यह संस्कृति है, संस्कृति मतलब संसार है, सृष्टि है, तो वह
कहता है कि वह परमपिता बहुत धन्य है जिसने सृष्टि की रचना की है। मतलब हर चीज का एक उपयोग होता है, कहते ना ये चीज कोई काम के लिए, ऐसा नहीं है। भगवान ने जिस चीज को बनाया वह सारी चीजें उपयोगी होती है, उनका अपना अपना महत्व होता है। तो वह कहती है कि धन्य धर्म वो परम पिता, वह परम पिता मतलब ईश्वर धन्य है, उसकी सृष्टि धन्य है, जिसकी यह रचना है वह धन्य है। मधुर की तुम्हारा दीपक उस अनंत की आरती है, और तुम्हारा यह जो चमकना है दीपक की तरह, यह उसकी तुम्हारा मधुर जो गीत है वह उसकी आरती जैसा है। अब ये आपको कविता पढ़नी है, इसको याद करना है, कॉपी में लिखना है, इसके शब्द लिखने हैं और बुक वर्क करना है।